नेपाल बस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। बस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है। कुशीनगर का रहने वाला है कंडक्टर, गोरखपुर का रहने वाला है बस ड्राइवर। बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौत नेपाल की मार्शियांगड़ी नदी में गिरी थी। बस मार्शियांगड़ी नदी में बस गिरी थी। बस गोरखपुर से नेपाल गई थी, महाराष्ट्र के सैलानियों को लेकर गई थी बस। नेपाल में बड़ा बस हादसा। सड़क हादसे की ये तस्वीरें नेपाल की है। बस जैसे ही नदी में गिरी, चीख पुकार मच गई। यूपी नंबर की बस 40 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि 14 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने कई लोगों को निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। नदी में गिरी यूपी नंबर की बस। नेपाल के तानहुन जिले में मार्सियांगडी नदी में ये बस गिर गई। यूपी नंबर की ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। गोरखपुर की रजिस्टर्ड बस यात्रियों को लेकर नेपाल की तरफ गई थी। बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेपाल में जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो बस इसी केसरवानी ट्रेवल्स से बुक की गई थी। गोरखपुर से ये बस चलती है और जिन लोगों ने बुक किया था वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पांडुरंगा यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाल रहे थे और कई बस उन लोगों ने बुक किया था। 110 लोग की एक टीम है जो निकली हुई थी। सबसे पहले वो बस से प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, फिर अयोध्या जाते हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग पोखरा जाते हैं और पोखरा से बस आज निकलती है काठमांडू के लिए। और जब ये रास्ते में ही थी तो काठमांडू के रास्ते में ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जिस गोरखपुर की ट्रैवलिंग एजेंसी केसरवानी परिवहन से 3 महीने पहले ही बसों को बुक करवाया गया था। नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे। जो बस नदी में गिरी उसका नंबर UP53FT7623 है। हादसे वाली बस के साथ 2 और बसें भी टूर पर गई थी, UP53FT9178 और UP53FT2955। हादसे का शिकार बस गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की थी। करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र के लोगों ने बसों की बुकिंग करवाई थी। नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे। सभी लोग महाराष्ट्र के भुसावल के रहने वाले थे। हादसे में कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर मुस्तफा गोरखपुर का रहने वाला है। ये लोग हम जब 3-4 महीना पहले से गाड़ी टेलीफोन से बुक करा लेते हैं और यहाँ से ये लोग गए थे गोरखपुर से इलाहाबाद पिकअप करने के बाद ये गए चित्रकूट। इनको चित्रकूट घुमाने के बाद अयोध्या ले आए, अयोध्या घुमाने के बाद फिर गोरखपुर आए, गोरखपुर के बाद फिर ये लोग गए नेपाल होते हुए लुम्बिनी और लुम्बिनी से ये पोखरा, पोखरा से अब काठमांडू जा रहे थे कि रास्ते में एक गाड़ी दुर्घटना हो गई। तो कुल कितनी गाड़ियाँ आपके यहाँ से बुक थी? 3 गाड़ी, 2 बड़ी बसें, 1 टेम्पो ट्रेवलर। कौन सी बस है जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हुई है सर? UP53FT7623। इसमें कितने लोग सवार थे? लगभग 40 लोग करीब। पोखरा से काठमांडू का था सफर। अधिकारियों के मुताबिक बस पोखरा से नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रही थी। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। बस अनवु खैरिनी के आईना पहरा से मर्सियांगडी नदी में गिर गयी।